Hello everyone, myself Swamir Sharma and today our topic is addition of algebraic expansion. In our previous video we discussed the algebraic expansions. Clear? We know that the relation between the variables and constant. The relation between the variables and constant is called the algebraic expansion. For example, x plus 1 is an algebraic expansion. Clear? Here, x square plus 5x plus 6 is an algebraic expansion because x is the variables, 5 is the constant and 6 is the constant. Clear? And those are related to each other by a relation. Okay? By addition, those are the multiples. Clear? That is the linear equation or that is the polynomial, sorry, quadratic equation. Clear? In sab ke baare mein humne padh chuke hain. Okay? Now we discuss the addition. Now we discuss the addition. For example, 2x plus 5 and 4x plus 2. ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है? एडिशन. तो एडिशन, ठीक है, एडिशन. तो सो 2x प्लस 5 प्लस 4x प्लस 2. क्लियर? 4x, 2x इज द वेरिएबल्स. क्लियर? 2x क्या है? एक x क्या है? वेरिएबल्स है. ठीक है? नहीं, 4x वाली भी क्या है? एक वेरिएबल टर्म्स हो गई. क्लियर है? और 5 क्या हो गई? ओनली 5 को 2 क्या हो गई? कांस्टेंट टर्म्स हो गई. क्लियर है? दैट्स इज द वेरिएबल टर्म्स. क्योंकि मल्टीपल्स में इसमें 5 और 2 और 4 दिख रहा है, वो कांस्टेंट टर्म है, लेकिन x का मल्टीपल्स में इसलिए वेरिएबल टर्म्स हो गई. क्लियर? और 5 और 2 क्या हो गई? कांस्टेंट टर्म. तो हम क्या करेंगे? वेरिएबल्स वेरिएबल्स वाली सेम सेम वाली x x वाली टर्म्स को एक साथ लेंगे, यानी 2x + 4x. क्लियर है? एडिशन का एडिशन, 5 और 2 कांस्टेंट टर्म को सेपरेट करेंगे और इनको हम क्या करेंगे? ऐड. तो ऐड करो 4x प्लस 2x, टोटल 6x. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों के? x x की प्रॉब्लम आती है, तो x का भी ज़्यादा हो जाता है. तो ध्यान रखना, x का सबसे बड़ी यही इंपॉर्टेंट कि x x सेम है. ठीक है? तो हम सिर्फ जो न्यूमेरिकल टर्म्स होती हैं उन्हीं को ऐड करते हैं. उन्हीं को क्या करते हैं? ऐड करते हैं. कई बार बच्चों के दिमाग में चलता है कि x प्लस x करने पर x स्क्वायर होता है. तो x प्लस x करने पर स्क्वायर नहीं होता, x मल्टीप्लाई x करने पर x स्क्वायर होता है. क्लियर है ना? बाय वी नो दैट ऑन मल्टीपल प्रॉपर्टी, वी नो दैट ऑन मल्टीपल प्रॉपर्टी व्हेन द बेस आर सेम, व्हेन द बेस आर सेम देन पावर आर ऐड. हियर द वेरिएबल्स पावर आर 1, हियर द वेरिएबल्स पावर आर 1, सो वी ऐड x 1 plus 1 देन बिकम द x स्क्वायर. क्लियर है? सो वी कैन राइट इट x स्क्वायर. ठीक है ना? यानी बेस सेम होता है, उनकी पावर ऐड होती है, इसलिए वो स्क्वायर बनता है. ठीक है ना? ये बात का ध्यान रखना. चलो नेक्स्ट टॉपिक को, 2x plus 4x is equal to 6x plus का plus 5 plus 2 7. ठीक है? ये हो गया एडिशन. ये तो सिंपल एडिशन था. चलो थोड़ा सा अच्छा लेते हैं. ठीक है? फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन आया 6xy plus 6x plus 9. ठीक है? एंड नेक्स्ट है 6xy minus 9y प्लस 12x प्लस 1. क्लियर? एडिशन करना है हमको. तो क्या होगा बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन. एडिशन कैसे होगा? फर्स्ट वी राइट 6xy प्लस 6x प्लस 9. क्लियर? अब एडिशन जैसे हम करते हैं वैसे एडिशन करना है. ठीक है ना? सेम वाली वैल्यू कहीं दिख रही है इसमें? गिवन है, जरूरी नहीं है इसमें, जैसे इसमें मैंने सेम लिखे तो सेम सेम की जगह आप कुछ भी और भी लिख सकते हो, जैसे 9 लिख दिया. क्लियर ना? अपन को तो ये देखना वेरिएबल्स वाली वैल्यू, ये भी एक्स वाई की और ये भी किसकी है? एक्स वाई, जिसके जस्ट नीचे एक्स वाई वाली वैल्यू 9xy. ठीक है? नेक्स्ट वाली है एक्स वाली टर्म्स. एक्स वाली टर्म्स दिख रही है आपको बेटा 12x. ठीक है? नहीं 12x, तो 12x ऐड कीजिए. ठीक है? 12x. क्लियर है ना?
ठीक है। नेक्स्ट है 9 कांस्टेंट टर्म, इसमें 9 है कांस्टेंट टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म कितनी बेटा 1, तो प्लस 1 राइट कर दिया, कंप्लीट हो गया। वैसे अंडरलाइन कर दिया करो जो आप उतारते हो, ठीक है, इससे हमारा इजीली याद रहेगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ कहाँ मिले। अब बस के रिमाइंड क्या होगा, -9 पर, तो -9 भी इसी के साथ चलेगा। अब ऐड करो, ऐड करना तो देखो 6 जैसे ऐड करते हैं बच्चों की तरह, 6 और 9 हाउ मच होगा बेटा 15। एक्स वाई एज इट इज चलेगा, इनमें नहीं होंगे है ना, डबल नहीं होंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं राइट करना, प्लस का प्लस 12 प्लस 6 18, एक्स का एक्स, प्लस का प्लस 9 प्लस 1 10 और माइनस का माइनस 9 वाई एज इट इज, तो इसका क्या एडिशन होगा 15x वाई प्लस 18x प्लस 10 माइनस के 9 वाई, क्लियर है, यस, ठीक है। तो एडिशन आप सीख गए होंगे सर, ठीक है, एडिशन आप सब लोग सीख गए होंगे, ठीक है। अच्छा एक एडिशन है, क्वेश्चन है ऐड, ठीक है, ऐड क्वेश्चन है 7xy प्लस 5yz माइनस के 3zx, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है 4yz, ठीक है, प्लस 9zx, ठीक है, माइनस के 4y, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है माइनस के 3xz, ठीक है, प्लस 5x और माइनस के 2xy, यस, देयर आर 3 टर्म्स, ठीक है। नाउ एडिशन क्या होगा बेटा, एडिशन इज फर्स्ट राइट 7xy प्लस 5yz माइनस के 3zx, तो एक्स वाई वाले टर्म्स है क्या इसमें, एक्स वाई वाले टर्म्स है क्या, नहीं है इसमें, इस वाले में देखना नहीं है, ठीक है। उसके बाद वाली देखनी है आपको, कौन सी वाली टर्म्स देखनी है, चलो एक्स वाली वाली वाई वाली नहीं है, प्लस का प्लस, वाई जेड वाली टर्म्स है क्या, वाई जेड वाली है इसमें 4yz, बस इसमें देख रहे हैं अभी, ठीक है। अच्छा 4yz हो गई, फिर नेक्स्ट वाली देख रहे हैं zx वाली है क्या, है zx वाली, प्लस 9zx, ठीक है, और नेक्स्ट नहीं है तो 4y का 4y, ठीक है, एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट टर्म है, ये कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट है इसमें एक्स वाई वाली टर्म्स है क्या, एक्स वाई वाली है माइनस के 2 एक्स वाई, फिर नेक्स्ट है वाई जेड वाली टर्म्स है क्या, वाई जेड वाली नहीं है तो छोड़ दो ऐसे ब्लैंक, ब्लैंक छोड़ना है। नेक्स्ट है जेड एक्स वाली टर्म्स, देखो जेड एक्स वाली टर्म्स इसमें माइनस 3 है तो माइनस के 3zx, या एक्स जेड बोल दो जेड एक्स बोल दो, मल्टीप्लाई में बात एक ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 5z, इसमें बच रहा है रिमाइंड क्या बच रहा है, प्लस के, ठीक है ना, ये तो ब्लैंक हो गया और ये प्लस के क्या है 5x का 5x, ठीक है। अब ऐड करूँगा बेटा, देखो 7xy प्लस के हैं और 2xy किसके बेटा, माइनस के, हु इज ग्रेटर, 7 इज ग्रेटर, xy को मत देखो आप, पहले वैल्यू वैल्यू देखो, हु इज ग्रेटर 7 या 2, 7, सो वैल्यू इज कम पॉजिटिव, क्लियर है ना। अब xy का xy एज इट इज, नेक्स्ट है प्लस का प्लस, ठीक है, 5 और 4 9 और yz का yz, ठीक है। हियर देखो माइनस वाली टर्म्स और माइनस वाली टर्म्स, माइनस का 3zx और माइनस के 3z, माइनस माइनस वाले क्या हो जाते हैं प्लस, माइनस माइनस सेम सिंबल्स वाले क्या हो जाते हैं ऐड, ठीक है ना। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है, प्लस के 9 और प्लस के अब 9, तो 9 और में से 6 लेस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 3, वो भी किसकी, प्लस की, पॉजिटिव, वाई, बिकॉज 9 इज द पॉजिटिव नंबर और 9 इज द ग्रेटर नंबर टू 6, क्लियर है, तो वैल्यूज कम्स टू 3 and zx as it is and remain value are right same as it is, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, यस। एक क्वेश्चन वो देखिए एडिशन का बेटा, क्वेश्चन है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमा एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमा एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एल स्क्वायर कॉमा 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL, ठीक है ना, ऐड करना है, सेम एडिशन मेथड बिल्कुल सेम है, आपको वही मेथड रखना है, फर्स्ट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, और मेथड नेक्स्ट में देखो एम स्क्वायर है तो एम स्क्वायर रख दिए इसमें,
एम स्क्वायर, नेक्स्ट नहीं है तो एन स्क्वायर एज इट इज, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम कंप्लीट हो गया हमारे पास, नेक्स्ट है एन स्क्वायर पे एन स्क्वायर, और एल स्क्वायर वाली टर्म से तो एल स्क्वायर के नीचे एल स्क्वायर, और जो नहीं है तो उसमें ब्लैंक छोड़ दिया, जो नहीं है उसके नीचे क्या छोड़ दिया, हमने ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। नहीं नेक्स्ट है थर्ड वाली हो गई, और फोर्थ वाली में है टू एल एम, इसमें है ही नहीं, तो प्लस टू एल एम प्लस टू एम एल और प्लस टू एन एल, ठीक है। देख तो रहा है वो, यस बेटा, एल एल और एल स्क्वायर तो क्या होगा बेटा, एल स्क्वायर, और हाउ मच टाइम, टू टाइम, वन और वन कितने हो बेटा, टू, प्लस एम स्क्वायर और एम स्क्वायर टू एम स्क्वायर, प्लस का प्लस, ठीक है, क्लियर। एन और एन टू एम स्क्वायर, और बाकी एज इट इज टू एल एम प्लस टू एम एन और प्लस टू एन एल, ठीक है। ये आपके एडिशन कंप्लीट होती है, ठीक है। जैसे आपने एडिशन किए थे सेम एज इट इज आते हैं हमारे आप सब कच्चे, ठीक है ना। ये तो हमने क्या पढ़ा है, एडिशन। अब हमारे आता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन सेकंड हमारे है हम सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट तो हमारे एडिशन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन, ठीक है। फोर क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ठीक है। 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 में से हमको क्या लेस करना है, ये वाली वैल्यू क्या करनी है, लेस करनी, क्लियर है ना, ठीक है। तो बस सॉल्यूशन, ठीक है ना। फ्रॉम आ गया, जब भी फ्रॉम आ जाता है तो आगे वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, यानी लास्ट वाली वैल्यू में से, ठीक है ना। फ्रॉम के जो बाद वाली वैल्यू है उसमें से कौन सी वैल्यू लेस करोगे, फर्स्ट वाली वैल्यू, क्लियर ना, क्लियर ना। तो क्या है, फर्स्ट राइट इट 12a माइनस 9ab प्लस 5b और माइनस 3, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा सुन लेना बेटा, कि इस वाली वैल्यू को किस में से लेस करोगे, प्रीवियस आने वाली वैल्यू में से, ठीक है, क्योंकि फ्रॉम आ गया। फ्रॉम में क्या करना है, जो लास्ट में जो वैल्यू आती है उसको किस में से लेस करना है, इसमें से, यानी इसको उसमें से क्या करना है, लेस करना है, ठीक है। माइनस का माइनस सिंबल माइनस आएगा, और इसको एज इट इज राइट करो, 4a माइनस 7ab प्लस 3b और प्लस ए 12, बस 12b का 12a माइनस 9ab प्लस 5b और माइनस 3 एज इट इज, सिंबल इज माइनस 4a, माइनस से माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 7ab माइनस 3b और माइनस के 12, माइनस के 12, ठीक है। नहीं है आपके समझ आ गए, ठीक है। अब आपको आप लेस करना है, देखो बेटा ए ए वाली टर्म्स क्या है, 12a है, और ये वाली वैल्यू कौन सी है, 4a। देखो सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो 12a है और ये कितनी है बेटा, 4a। इसका सिंबल पॉजिटिव और इसका सिंबल क्या है बेटा, नेगेटिव है, क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 12a इज द ग्रेटर 4a से, तो क्या आएगा बेटा, 4 में 8 में 12 में सॉरी 12 में से हम 4 लेस करेंगे तो बेटा वैल्यू आएगी 8 और ए का ए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये वाली वैल्यू कंप्लीट होगी। अब हम लेंगे ए बी वाली, तो ए बी वाली क्या है, माइनस के 9ab सॉरी, और ये वैल्यू है हमारे पास 7ab, क्लियर है। माइनस वाली वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, और प्लस वाली वैल्यू क्या है, स्मॉलर है। तो सिंबल आएगा क्या बेटा, माइनस का माइनस, ठीक है। 9 में से अपन 7 लेस करेंगे तो वैल्यू आएगी 2, और ए बी का ए बी, अब यहाँ तक बेटा 9 में से हम 7 लेस करेंगे तो वैल्यू तो आएगी 2, और 9 के सिंबल क्या ग्रेटर है, इसके सिंबल क्या आ जाएगा, माइनस का। अब नेक्स्ट हमारे पास दो वैल्यू कंप्लीट हो गई, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बेटा, 5b, कितने बेटा, ये तो 5b है पॉजिटिव, और ये 3b है, वो भी किसके बेटा, नेगेटिव के, क्लियर है।
लेस करेंगे तो 5 में से आप लेस करोगे 3, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी बेटा 2, तो प्लस के 2b, और डेट्स इज कॉन्स्टेंट टर्म, ये भी माइनस के 12 और ये माइनस के 3, तो माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, पर सिंबल माइनस का आता है, सिंबल किसका आता है बेटा माइनस का, वैल्यू से लेस करेंगे तो आएंगे बेटा 15, माइनस के 15, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस के 15, ठीक है। यस यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट 3xy प्लस 5yz, ठीक है, और माइनस के 7zx, इसमें से लेस करना है, सॉरी फ्रॉम ठीक है 5xy माइनस के 2yz और माइनस के 2zx और प्लस 10xyz, क्लियर है। तो बस सॉल्यूशन राइट द, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था लास्ट वाले टर्म्स में से फर्स्ट वाले टर्म्स को क्या करते हैं, टोटल लेस करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन क्या होगा बेटा, तो नाउ तो सब्ट्रैक्शन क्या होगा बेटा, 5xy फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट 5xy माइनस के 2yz माइनस के 2zx और प्लस के 10xyz, ठीक है। अब उसमें से ये लेस करनी है, माइनस का माइनस लेस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन फ्रॉम मतलब लेस कर रहे हैं, और माइनस के 3xy प्लस 5yz और माइनस के 7zx, ठीक है बेटा, क्लियर है। यस बेटा, फर्स्ट सेम एज इट इज 2yzx और n 10xyz, क्लियर है, ठीक है। माइनस 3xy, ठीक है। अब से उठ, ये पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव साइन, तो सिंबल इज नेगेटिव, और एज इट इज 5yz माइनस माइनस प्लस 7zx, क्लियर है। यस बेटा, नेक्स्ट बताओ बेटा आपको एक्स वाई वाले टर्म्स और हियर एक्स वाई है ना, ठीक है। डेट्स इज पॉजिटिव और डेट्स इज नेगेटिव, यानी 5 में से आपको लेस करना है 3, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 2, क्यों, क्योंकि 5 किसका है बेटा पॉजिटिव, 5 किसका है बेटा पॉजिटिव, तो कितनी आएगी बेटा 2, और एक्स वाई का एक्स वाई, तो फर्स्ट तो वैल्यू अपनी क्या हो गई कम्प्लीट एक्स वाई का। अब नेक्स्ट है हमारे पास वाई जेड, तो वाई जेड माइनस के वाई जेड और वाई जेड हमारे पास ये रहे 5b, यानी कि माइनस के 2 और माइनस के 5, माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस, तो सिंबल इज कम्स टू माइनस, माइनस 2 और माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस के 7, क्लियर है, माइनस 7, ठीक है। वाई जेड एज इट इज कंप्लीट हो गए बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास बेटा वाई जेड एक्स, तो जेड एक्स वाले टर्म्स जेड एक्स, ठीक है, नेगेटिव टर्म्स है, जेड एक्स का माइनस 2 और ये 7 जेड एक्स, ये 2 नहीं है, थोड़ा ढंग से देख लेना बेटा, है ना, थोड़ा बनाया ऐसा है ना, 7z है ना, थोड़ा 7 ये है, ठीक है ना, 7 ऐसे बन जाता है ना, तो 7zx है, ठीक है ना, तो 7 प्लस के 7, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 7 प्लस के और 2 इसके माइनस के, वैल्यू आएगी हमारे पास पॉजिटिव, तो प्लस के प्लस और zx का zx, और रिमेन वैल्यू क्या बच गई बेटा हमारे पास 10xyz, और ये हमारा क्या है बेटा आंसर, ठीक है। आई होप आपको सब्ट्रैक्शन समझ आ गए होंगे, हमारे दो स्टेप कंप्लीट हो गए, एक तो एडिशन वाला एज एवरी एक्सपेंशन का और एक हमारे सब्ट्रैक्शन वाला, ठीक है ना। अब देखो इधर, देखो एडिशन हो गए सब्ट्रैक्शन हो गए एज एवरी के, अब क्या आएगा इसके बाद, आपको सबको पता है, दिमाग में चली गया होगा सबके, तो क्या आएगा वेरी गुड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, क्योंकि हम छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं, सबसे पहले हमको सर यही सिखाते थे
एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना, अब भी वही आ गए है ना, लेकिन अब थोड़े डिफरेंट है, ठीक है बेटा। अब आएगा हमारे पास प्रोडक्ट, बोल दो प्रोडक्ट बोल दो उनको, या फिर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब देखना, अब जो हम सीखेंगे तो उसको ध्यान रखना। प्रोडक्ट हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन तो थोड़े सिंपल से थे, अब प्रोडक्ट आएंगे तो प्रोडक्ट्स के टाइप होते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं, फर्स्ट है, ठीक है ना, थर्ड टॉपिक है हमारा, प्रोडक्ट आ रहा है। अब सबसे पहले आते हैं फोर मोनोमियल्स। अब मोनोमियल्स के बारे में सोच रहे होंगे आप, मोनोमियल्स वैसे मैंने इसके बारे में बता दिया, यदि आपने नहीं पढ़ाया तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और उसमें से आप देख के इसको टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। बस मैं आपको यहाँ पर थोड़ा हिंट दे पाऊँगा, ठीक है। मोनोमियल्स मीन्स यानी जिसके अंदर कितने टर्म्स हो, ओनली सिंगल टर्म्स हो, कितने टर्म्स हो, सिंगल टर्म, वन टर्म वाला, कौन सा, वन टर्म, टर्म मतलब यानी इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू हो, जैसे एक्स है तो एक्स ही होगी, ठीक है ना, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोई रोल नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है, नहीं है, यानी पार्टीशन नहीं है उसकी, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आपको बता देते हैं, फॉर एग्जांपल आपको गिवन है 5 एंड, ठीक, क्वेश्चन ये है आपके, प्रोडक्ट ऑफ, ऐसे लिख देते कंप्लीट, प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड x, एक्स और 5 को क्या निकालना है, प्रोडक्ट, तो क्या आएगा सॉल्यूशन बेटा, तो प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड x, तो x और 5 को प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा, 5 मल्टीप्लाई x, यानी कि 5x, ये हमारा क्या है बेटा आंसर। आप तो सोच रहे हैं तो बहुत ही सिंपल है ना। चलो और क्वेश्चन देखते हैं, वेरी गुड, ठीक है। देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, जैसे प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ माइनस के 4p, क्लियर है, एंड 7p, 4p और किसका बेटा, 7p का, तो बस सॉल्यूशन इज, ठीक है, प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट तो क्या आएगा बेटा, माइनस के 4p मल्टीप्लाई 7p। आप ढंग से सुनना, ये तो सिंपल सा था, ठीक है। अब ये भी देखो, आपको देखो पहले आपको न्यूमेरिकल डिजिट यानी 4 और किसको मल्टीप्लाई करना है, 7 को, यानी माइनस 4 मल्टीप्लाई 7, सेपरेट कर लिया, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई किसको करना, p को p से, p मल्टीप्लाई p, ठीक है बेटा, बस हो गया, 7 4 28। अब p मल्टीप्लाई p करेंगे तो p की पावर क्या हो जाएगी, 2। एक बात ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं बच्चे, p मल्टीप्लाई p करते हैं तो उसको लिख देते हैं 2p, क्लियर। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अब फिर बता रहा हूँ बेटा, कि इफ मल्टीपल्स आर, मल्टीपल आर कम्स टू इन बिटवीन द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के बीच में यदि मल्टीपल्स आ जाता है तो वो स्क्वायर की फॉर्म में जाता है, ठीक है ना, वो किसकी फॉर्म में जाता है, स्क्वायर की फॉर्म में जाता है, किसकी फॉर्म में जाता है, स्क्वायर की, ना कि कोफिशिएंट की फॉर्म में आता है, ना कि किसकी फॉर्म में आता है, कॉफिशियंट, यानी मल्टीपल्स की फॉर्म में नहीं आता, उसकी पावर, एक्सपोनेंट या पावर्स की फॉर्म में चले जाता है, इसे आप डिग्री भी बोलते हैं, इस वाले टॉपिक में पढ़ाता है ना, वही वाली बात, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो गया, -28p2, इसका प्रोडक्ट क्या हो गया, -28p2। चलो एक और देख लो, देखो हम एक क्वेश्चन तो ऐसा है जो बहुत अच्छा है, सही में इतना अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसको देख के हम क्या करते हैं, आंसर तुरंत बता सकते हो आप, तो इंटेलिजेंट, देखिए बेटा क्वेश्चन है 4p एंड 0, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ 4p एंड 0, 4p का और किसका निकालना हमको, 0 का, यानी क्या होगा, 4p मल्टीप्लाई 0, और हम सब जानते हैं बेटा, वी नो डैट व्हेन वी मल्टीप्लाई 0 बाय एनी नंबर देन रिजल्ट इज कम्स टू 0, यानी 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट क्या आता है, 0, यस, क्लियर है, तो आपके टॉपिक समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एडिशन पढ़ा, फिर हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, प्रोडक्ट पढ़ा, और प्रोडक्ट में भी सबसे पहले पढ़ा फोर मोनोमियल्स के बारे में, यानी जिसमें कितने टर्म्स हो, 1 1 टर्म्स हो, कोई दिक्कत बेटा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ टॉपिक, अभी हमारे प्रोडक्ट चल रहा है, अब प्रोडक्ट आ जाता है आपकी,
ठीक है ना। प्रोडक्ट का हमारा क्या आता है, सेकेंड पार्ट, ठीक है ना। प्रोडक्ट का हमारे क्या रहता है बेटा, सेकेंड पार्ट। चलो और प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो मोनोमेल्स के बारे में, अच्छा और मोनोमेल्स के बारे में क्वेश्चन आ गया, जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई कॉमा वाई जेड एंड जेड एक्स, एक्स वाई कॉमा वाई जेड एंड जेड एक्स के बारे में निकालना हमें बेटा, प्रोडक्ट फाइंड करना है, क्लियर है। तो सॉल्यूशन बेटा, प्रोडक्ट, लेट्स सी एंड केयरफुल, ढंग से और ध्यान से समझना बेटा। एक्स वाई का एक्स वाई, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है ना, ठीक है। फर्स्ट एक्स एक्स वाली टर्म्स, एक्स एक्स वाली टर्म्स है बेटा, तो उनको सेपरेट सेपरेट करो, एक्स मल्टीप्लाई एक्स। अब देखो बच्चों के दिमाग में आप लोगों की बेटा चीज़ चल रही है, ठीक है सर, ये अलग अलग क्यों बना, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बेटा, हमको सेम सेम वाली वैल्यू देखनी है जिससे हमारा काम हो जाए, क्लियर है ना। हम हमारे दोस्त भी सेम सेम बनाते हैं ना हमारे जैसे, तो वैसे ही हमको क्या वैल्यू भी सेम सेम देखनी ताकि हमारा रिजल्ट आ जाए। नेक्स्ट फिर वाई वाई वाली, तो वाई मल्टीप्लाई वाई, ठीक है बेटा, और मल्टीप्लाई फिर जेड वाली, जेड मल्टीप्लाई जेड, ठीक है बेटा, बस कंप्लीट। एक्स मल्टीप्लाई एक्स अभी अभी बताया था, वेन द बेस आर सेम सो पावर आर एड, तो एक्स और एक्स, तो ये तो आएगा एक्स और इसकी पावर क्या हो जाएगी, वन और वन कितनी होगी बेटा, टू, ठीक है। सेम कंडीशन वाई आएगा बट इसकी पावर वन और वन टू, सेम एज इट इज जेड जेड, पावर इज वन वन, पावर इज टू, तो रिजल्ट इज, रिजल्ट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और देखो, आपके और अच्छे समझ आ जाएगा, ठीक है। यस देखो बेटा, प्रोडक्ट ऑफ माइनस ए कॉमा ए स्क्वायर एंड ए क्यूब, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ माइनस ए कॉमा ए स्क्वायर एंड ए क्यूब, क्लियर है। यस बेटा, सॉल्यूशन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, यस बेटा, प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए क्यूब, ठीक है। अब ढंग से और ध्यान से रखना, सबसे पहले देखो माइनस ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, तो यानी आपको एक बात पता चल रही, सिंबल तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, माइनस ए ए ए, वेरिएबल सब में सेम है, ए ए ए, तो वेरिएबल आएगा ए, ठीक है। ढंग से समझना, प्रोडक्ट है हमारे पास माइनस ए ए स्क्वायर एंड ए क्यूब, ठीक है। अब हमको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है, तो हमको सबसे पहले सिंबल देखेंगे, तो सिंबल ओनली माइनस है, बाकी में नहीं है, तो सिंबल माइनस का माइनस। अब वैल्यू देखना इसमें भी ए, ये ए स्क्वायर ए क्यूब, सर यहाँ तो ए की पावर कुछ भी नहीं है, यहाँ ए की टू हो गई, ए की थ्री हो गई, हमें पता कैसे चलेगा। तो आपको सबसे पहले देखना है इसका बेस क्या है, इस पर भी ए है, ए है, पावर नहीं देखनी, सिर्फ बेस देखना, ए ए और ए, तो ए उठा लिया सर, ठीक है। अब इसकी पावर देखनी है, अब इसके पास कुछ नहीं होता, कितना होता है वन है, ठीक है, तो पावर ऐड करना, काउंटिंग आपको अच्छी तरह आती है, वेरी गुड, इंटेलिजेंट बच्चों, वन का वन और प्लस टू इसकी पावर, और इसकी पावर कितनी होगी थ्री, एडिशन आपको अच्छी तरह आता है, इंटेलिजेंट बच्चों, थ्री प्लस टू फाइव प्लस वन सिक्स, इसकी पावर क्या होगी बेटा, सिक्स, और यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह समझा होगा, ठीक है, और समझ भी अच्छी तरह आया होगा। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।